मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी का सब्जी। अलग तरीके से मैं बनाऊंगी दोस्तों, जो खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जिन्हें बिल्कुल भी भिंडी पसंद ना हो, तो इस सब्जी को एक बार घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम भिंडी और इसे अच्छे से धोकर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है, अच्छे से मिला दिया है। अगर भिंडी आपकी सूखी हो तो उसमें हल्का सा पानी डालकर और बेसन को अच्छे से भिंडी पर कोट कर लीजिएगा। इससे जो सब्ज़ी में टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, भिंडी को डाल दिया। इसे लगातार इस तरह से मिलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं दोस्तों, नहीं तो भिंडी है जो नीचे से चिपकने लगेगी। तो देखिए यहाँ पर भिंडी है जो अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए। तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाला है 2 चम्मच, इसमें डाला है खड़ा जीरा और अदरक कुटा हुआ, इसमें लहसुन डाला है बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर मैंने डाला है, अच्छे से मिला दिया था। हल्का सा टमाटर जो सॉफ्ट हो गया है तो इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। मसाले अच्छे से भुंजा गया था तो इसमें चीरा लगा 2 हरा मिर्च और 2 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश दही डाला है। आपके पास फ्रेश दही नहीं है तो इसकी जगह आप इसमें दूध का जो मलाई होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट है जो सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक दिया और दही भी अच्छे से मसालों के साथ पक गया था, तो भिंडी को डाल दिया और अच्छे से मिला लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाला और अच्छे से मिला दिया है। तब इसे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन से ढक देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर पकने देती हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया और सब्जी हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है दोस्तों, ये देखिए। तो देखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, खाने में भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार आप इस तरह से भिंडी मसाला है जो घर पर ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। मैं इसे सब करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से रोटी बना के रखी थी, तो यहाँ पर मैंने रोटी के साथ सब किया है। आप चाहे तो इसे चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ ये सब्जी को आप इंजॉय कर सकते हैं। खाने में ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा दोस्तों। जो आप डेली का भिंडी का सब्जी या भिंडी का भुंजिया बनाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा ये सब्जी आपको टेस्टी लगेगा। जिन्हें बिल्कुल भी भिंडी पसंद ना हो, आप एक बार इस तरह से भिंडी का सब्जी बना कर खिला दें, देखिएगा आपको बार बार वो इसी तरह से बनाने के लिए कहेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।